हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे, देखिए एक्सरसाइज 10 को डिस्कस करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू, और वो भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेंदी प्रोसेस नहीं जाएंगे, लेंदी प्रोसेस तो आपको भी आता होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और जैसा कि हम लोग को पता है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को उसी के जैसे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा और लंबा वाला मेथड तो आप लोग को आता ही है। ठीक है, इसमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, टेन थीटा इक्वल टू 8/15 दिया गया है। हम लोग ट्रिकी अप्रोच अपनाने वाले हैं यहाँ पे, और इसमें बस एक चीज याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले, और हम लोग को पता है पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो इस कंडीशन से हम लोग को पी भी मिल गया और बी भी मिल गया। हम लोग को किसका फाइंड करना है, कॉसेक थीटा का फाइंड करना है। कॉसेक थीटा का क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग को पता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और ये भी पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, नीचे में 8 है, तो नीचे 8 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नीचे 8 आ रहा है, बस आंख बंद करके इसको टिक मार देंगे। ठीक है, अगर एक और मान लीजिए एक और किसी ऑप्शन में नीचे 8 होता है, उस कंडीशन में क्या करते, तो उस कंडीशन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड करते और यहाँ पे क्या करते, हाइपोटेनस को पुट कर देते, तो मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे पास टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा कितना दिया गया है, √3 दिया गया। इसका मतलब क्या, √3/1 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर √3 और बेस 1। हम लोग को निकालना किसका है, सेक थीटा का निकालना है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा b/h, तो सेक थीटा h/b लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, h/b लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, और h यहाँ से कितना मेरे पास क्या पता है, मेरे पास b पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, b कितना है 1, और ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें नीचे 1। यहाँ देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो 2/1 है क्या, तो इस कंडीशन में इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू है तो ट्रिक से ही सॉल्व करना प्रीफर करेंगे, ऐसे आपको लेंदी मेथड से आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास कॉसेक थीटा दिया गया है, कॉसेक थीटा दिया गया है, कितना दिया गया है, √10 दिया गया है। ठीक है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा क्या। हम लोग को फाइंड किसका करना है, सेक थीटा का करना है, सेक थीटा का करना है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। तो सेक थीटा h/b लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। और यहाँ से h, h कितना है मेरे पास, √10, मतलब क्या, ऊपर √10 और b नहीं पता, ऐसा जिसमें ऊपर √10 आ रहा हो, ठीक है, नीचे b का वैल्यू कुछ आ रहा होगा। ठीक है, और ऊपर देखिए किसमें √10 आ रहा है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी देखिएगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ऊपर में √10 आ रहा है, किसी में √10 ऊपर में नहीं आ रहा है, तो इससे हम लोग ये ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी और में ऊपर √10 रहता तो उस कंडीशन में बेस फाइंड कर लेते पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो देखते हैं थर्ड का ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ में देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, कौन सा, ये फॉर्मूला जो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस फॉर्मूले को आप रट जाइए, घोल के पी जाइए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास सेक थीटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, मेरे पास सेक थीटा दिया गया है, कितना दिया गया है, 25/7 दिया गया है। ठीक है, हम लोग को साइन सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, कॉस का क्या हो जाएगा, b/h, तो सेक का h/b लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, फाइंड किसका करना है, साइन थीटा का करना है।
तो साइन थीटा का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है क्या? अब हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए हाइपोटेनस मेरे पास दिया गया 25, ठीक है, और परपेंडिकुलर नहीं पता। यहाँ देखिए दो ऑप्शंस में 25 आ रहा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, मेरे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इस केस में हाइपोटेनस कितना है, देखिए 25, तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन बेस। बेस कितना है मेरे पास, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 625 माइनस 49, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 55, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका होता है, 24 का होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 24/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का बी आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। साइन थीटा मेरे पास दिया गया है, साइन थीटा कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एमसीक्यू है इसलिए हम लोग ट्रिकी अप्रोच अपना रहे हैं, ठीक है। चलिए कॉट थीटा का निकालना है, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो इसका उल्टा बी बाई पी लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। और यहाँ से हम लोग को क्या पता है, पी पता है, मतलब क्या कि नीचे 1 आ रहा होगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें नीचे 1 आ रहा है, देखिए इसमें भी नीचे 1 आएगा, इसमें भी नीचे 1 आएगा। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास हाइपोटेनस कितना दिया गया, हाइपोटेनस यहाँ से देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर ले, 4 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे माइनस है, पी पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब क्या बेस √3 आ गया। तो यहाँ पे बस √3 पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, √3, ठीक है। नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5 का ऑब्जेक्ट आंसर कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर को देख रहे हैं, 6 में मेरे पास क्या दिया गया है, 6 में मेरे पास cos थीटा इक्वल टू 4/5 दिया गया है, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, b बाई h, तो यहाँ से b बाई h लिख लेंगे, ठीक है। फाइंड किसका करना है, tan थीटा का, तो tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है, p बाई b होता है। सबसे पहले जो पता है हम लोग को लिख लेते हैं, क्या पता है मेरे पास, बी पता है, तो बी कितना है नीचे, 4। अब ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें नीचे 4 हो, देखिए एक ऐसा यही ऑप्शन है जिसमें नीचे क्या है, 4 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव कर रहे हैं। 7 में मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास 7 में जो दिया गया है tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये 7 देख रहे हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया गया है, और क्या करेंगे हम लोग को, साइन बाई क्या निकालना है, कॉस निकालना, साइन प्लस कॉस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। ये किसका होता है, ये किसका होता है, tan का होता है, तो यहाँ पे ये हम लोग क्या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो रेशियो के ये सब मानना, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, बस हम लोग को आंसर से मतलब है, तो वही अप्रोच हम लोग करेंगे, ठीक है। मेरे पास साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस में हाइपोटेनस आना जरूरी है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, √P का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, और बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और रूट से हटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को किसका चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो बस कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कीजिए, पी कितना है, पी मेरे पास कितना है, पी मेरे पास 4 है, और एच कितना है, 5 है, ठीक है। प्लस साइन बी कितना है मेरे पास, बी कितना है मेरे पास, बी मेरे पास 3 है, 3 है, और नीचे कितना है, 5 है, इसको एलसीएम लीजिए तो 5 आ जाएगा, 4+3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मेरा ऑप्शन सी जो हो जाएगा 7 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, देखिए 8 में क्या करना है मेरे पास, क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक समझिएगा, देखिए मेरे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया गया है। देखिए अगर ऐसा हो, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक टेन थीटा का ठीक उल्टा कॉट होता है, ऐसा दिया रहा है सब में, और इसी का स्क्वायर निकालना हो, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, मतलब इस सम कैसा हो, इसी का ठीक उल्टा का सम हो,
और इसी का स्क्वायर का सम फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखना है, ठीक है, ट्रिक क्या याद रखना, ये जो है मेरे पास इसका स्क्वायर कर दीजिए और बस टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, अगर ऐड किसका हो, इसी का उल्टा रेसिप्रोकल का ऐड दिया गया हो और इसी का स्क्वायर फाइंड करना हो, उस केस में ये याद रखिएगा, ये और ये एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए तभी ये ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 23 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन डी, देखिए 9 भी इसी टाइप का है, 9 भी देख लेते हैं। 9 में क्या है, देखिए कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, दोनों का उल्टा का सम दिया गया है और इसी का उल्टा का क्या करना, मतलब स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो मैंने अभी तो ट्रिक बताया है, बस उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, किसका निकालना है, इसी का स्क्वायर का सम निकालना है। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, तो बस याद रखिएगा, यही ये रूल ऐसा रहेगा तभी लगा रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा और माइनस 2 कर लेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 25 तो हो गया और नीचे 1 होगा, 1 के टेबल 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, ठीक है, और 4 × 2 8 हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये देखिए 17 आ जाएगा, ठीक है, 17/4 आ जाएगा और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 का ए हो गया। अब हम लोग 10 नंबर को देख रहे हैं, 10 नंबर में क्या करना है, 10 नंबर में कुछ नहीं करना, आसान सा ही, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे 10 देख रहे हैं, ठीक है, 10 देख रहे हैं, मेरे पास 4 tan θ इक्वल टू 3 दिया गया है, तो यहाँ से tan θ निकाल लेंगे, tan θ इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, √p² + b² कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पी स्क्वायर कितना है, पी कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे प्लस साइन, बी कितना है मेरे पास, 4 का स्क्वायर 16 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, और √ये 25 हो गया, मतलब एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, देखिए किसका वैल्यू निकालना है मेरे पास, ये निकालना है cos²θ − sin²θ, ठीक है, sin²θ, cos किसका होता है, cos हो जाता है मेरे पास बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है, और इसी का क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेस कितना दिया गया, बेस मेरे पास 4 है, तो 4/4 बाई हाइपोटेनस कितना आया, 5 आया, ठीक है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन, साइन के लिए पी, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 3 है और हाइपोटेनस 5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 16/5 25 − 9/25, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 − 9 कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/7/25 आ जाएगा क्या, और आंसर में देखते हैं 7/25 कहाँ दिया गया है, तो ये मेरा ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, हम 11 को देख रहे हैं, 11 देखिए क्या करना है, इसमें भी एक नया ट्रिक आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं, मेरा पेन कहाँ गया, पेन ही गायब हो गया था, ठीक है। तो 4 4 4 cot θ इक्वल टू मेरे पास क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रिक निकालेंगे। देखिए सबसे पहले cot या tan में ऐसा कुछ दिया रहे तो उसके लिए क्वेश्चन में देखेंगे कि किस टाइप का टर्म दिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी पे इस ट्रिक को लगाइएगा, अगर इससे हटके कुछ भी रहा और आप लगा दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर इसको cot थीटा को लिखना चाहे तो 3/4 लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, देखिए अगर यहाँ पे tan थीटा या cot थीटा दिया रहा है, ठीक है, और साथ ही में क्वेश्चन में देखिएगा, और क्वेश्चन में देखिएगा साइन और कॉस के टर्म में रहेगा, साइन और कॉस के टर्म में रहेगा, तो
तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर मान लीजिए प्लस कुछ भी हो जाता है, प्लस 1 2 3 कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो इस ट्रिक को मत लगाइएगा, ठीक है? याद रखिएगा, बस यहाँ साइन और कॉस के टर्म में ही है, प्लस 1 भी हो जाएगा तो ये ट्रिक गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? गलत हो जाएगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए कि ट्रिक क्यों कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे टैन थीटा या कॉट थीटा दिया रहेगा और इधर सारा टर्म साइन और कॉस में ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में इस ट्रिक को कैसे लगाएंगे, देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है? साइन थीटा होता है, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू 3 ले लीजिएगा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 4 ले लीजिएगा। ये एक ट्रिक है, मेन रूल में अप्लाई मत कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा के बदले कितना लिख लें, 4 लिख लें क्या, और माइनस साइन है तो माइनस दे दीजिए। कॉस थीटा के बदले 3 लिख लें क्या, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितना है, 4 है, तो यहाँ से 4 लिख लिए। प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। कॉस थीटा कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है? 4 माइनस 3 1 हो जाएगा क्या, और 4 प्लस 3 7 हो जाएगा क्या, और इसका आंसर देखिए 1/7 सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या, तो 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं। मेरे पास क्या गिवेन है, मेरे पास गिवेन है ये लंबे प्रोसेस से ही बनेगा, ठीक है? ऐसा मतलब क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, और ये फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? हर हर बोले, सेकेंड वाला किसका होता है, मेरा कॉस थीटा का होता है क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। ये ट्रिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे K वगैरह एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ से बेस हम लोग को मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हम सॉरी हाइपोटेनस मिल गया। परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस मेरे पास है 3 है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा क्या, माइनस साइन बेस, बेस कितना है मेरे पास 2 है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा क्या, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया, √5 आ गया, ठीक है? तो चलिए निकालते हैं, परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरे पास, ठीक है, 9 माइनस 4, ठीक है, √5 आ गया। अब हम लोग किसका, हम लोग को किसका निकालना है, 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा, 2 tan² थीटा -7, ठीक है? हम लोग को पता है sec थीटा किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos का उल्टा 3/2 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे 3/2 लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए प्यार से। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, 2 है, ठीक है? यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ से √5 है, तो √5 लिख लेंगे, और बेस, बेस कितना है मेरे पास 2 है, तो यहाँ से 2 लिख लेंगे, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और -7 है तो -7 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 9 लिख दिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या, तो 4 लिख लिए। प्लस साइन दे दीजिए, फिर से 2 है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 × √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और हम लोग को पता है रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आपसे याद रख लीजिए कि रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर नीचे 4, ठीक है, -7, ठीक है? इसको कट कर लीजिए, कितना 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो मेरे पास कितना आ गया, 9/2 आ गया, प्लस साइन 5/2 आ गया, -7। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 प्लस 5 माइनस, देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, और 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 माइनस 14/2, और ये मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग 13 नंबर को देख रहे हैं, 13 नंबर में क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्यार से देखिएगा, मेरे पास क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे 13 नंबर देख रहे हैं, ठीक है? sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 = 0 दिया गया है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? फाइंड क्या करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है? कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक समझना है, प्यार से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे
अगर इसको लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन लिख लें तो कोई दिक्कत क्या? यहाँ पे प्लस वन है, इधर जाएगा तो माइनस वन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से माइनस वन हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये गिवेन है और ये फाइंड करना है। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, ये पढ़े हम, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये कहाँ से आया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से आया। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वहीं से है। ठीक है, अब अगर इसको ए मान ले तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी मान ले तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, तो बस इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो ए कितना है मेरे पास, सेक थीटा, प्लस साइन बी कितना है मेरे पास, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, इंटू ए कितना है मेरे पास, सेक थीटा, ठीक है, माइनस बी कितना है मेरे पास, टेन थीटा है। ठीक है, जहां तक पॉसिबल हुआ कि ट्रिक लगाया जा सके मैंने लगाया, ठीक है, और जिसमें ट्रिक पॉसिबल नहीं हो रहा था मैंने क्या किया, डायरेक्ट बनाया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसके बदले, इसके बदले माइनस वन पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, तो माइनस वन इंटू ये पूरा टर्म सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू वन। और हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए तो इसको उधर कर दीजिए, ठीक है, उसको उधर कर दीजिएगा तो माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो बस कितना आ गया, माइनस वन आ गया। तो आंसर देखते हैं माइनस वन किस ऑप्शन में आ रहा है, तो देखिए आपका जो 13 हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। देखिए 14 में क्या करना है, 14 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाया गया है। ठीक है, मेरे पास कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन दिया गया है और फाइंड इसका वैल्यू करना है, मेरे पास फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू पावर फोर ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो चलिए इसी से कुछ क्लू निकालेंगे। जो मेरे पास गिवन है उससे क्या कर रहे हैं, मेरे पास कॉस ए को इधर ही रख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए को उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो वन माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा क्या। ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, तो इस कंडीशन से यहाँ क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए कर लेंगे। मतलब क्या कि कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए। ये ऐसा कंडीशन दिया गया इस कारण, ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है ये मान लीजिएगा, ठीक है, वो एकदम गलत है। ये ऐसा कंडीशन दिया गया, उस कंडीशन के बेसिस पे ये आया है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टू पावर फोर ए। ठीक है, साइन टू पावर फोर ए। ठीक है, हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू पावर फोर ए इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन टू पावर फोर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब साइन स्क्वायर के बदले कॉस ए लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉस ए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, साइन टू पावर फोर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। और इसी का वैल्यू पहले से कितना दिया गया, वन दिया गया है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, मेरे पास साइन थीटा दिया गया, ठीक है, साइन थीटा कितना दिया गया है, रूट थ्री वाई टू दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या, परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस दिया गया है। बेस फाइंड करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, टू दिया गया है, तो टू का स्क्वायर फोर कर लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई
वो दिया गया हाइपोटेनस और इसका स्क्वायर फूट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखते हैं क्या, परपेंडिकुलर रूट थ्री है क्या, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा क्या, देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर। और याद रखिएगा रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा क्या, तो यहाँ से थ्री मतलब बेस कितना हो गया, वन हो गया, रूट वन इक्वल टू वन। ठीक है, तो मेरे पास किसका फाइंड करना है, फाइंड करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का फाइंड करना है। ठीक है, और ट्रिक याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक मेरा साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है कितना, पी बाई एच, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, एच बाई पी, मतलब इसी को ठीक उल्टा करके लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, कॉट कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी होता है क्या, बी बाई पी होता है क्या, तो बी कितना है मेरे पास, बी मेरे पास है वन है, और पी पी कितना है मेरे पास, पी पी कितना कितना है मेरे पास, रूट थ्री है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, रूट थ्री का एलसीएम रूट थ्री, यहाँ पे टू प्लस वन, ये कितना आ गया मेरे पास, थ्री बाई रूट थ्री। अगर थ्री को लिखना चाहें तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं क्या, और नीचे रूट थ्री, इस रूट थ्री से इस रूट थ्री को काट दीजिए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, रूट थ्री। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस एमसीक्यू टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, 16 देख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास रूट थ्री टेन थीटा दिया गया है, कितना दिया गया है, थ्री साइन थीटा दिया गया है मेरे पास। ठीक है, उससे क्या फाइंड करना, उससे फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू थ्री इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा को इधर कीजिए, इधर कीजिएगा तो देखिए ऐसा है कुछ, रूट थ्री बाई कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू थ्री बाई वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो मेरे पास थ्री कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री आ गया क्या, और इसी को अगर लिखना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई थ्री लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, और यहाँ से देखिए रूट थ्री को हम लोग रूट थ्री बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, तो एक से कट गया, मतलब क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई रूट थ्री आ गया। ठीक है, और कॉस थीटा किसका होता है, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब बेस भी पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, यहाँ से क्या करेंगे, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस है रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा क्या, माइनस बी, बी कितना है वन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा क्या, इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर रूट टू हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, रूट टू, तो यहाँ पे रूट टू और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस रूट थ्री, तो यहाँ से रूट थ्री इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन, बेस कितना है, बेस देखिए यहाँ पे बेस वन है क्या, तो वन डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट थ्री। ठीक है, प्यार से इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आ जाए वही हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर देखिए रूट थ्री स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, तो एलसीएम लीजिए तो थ्री आ जाएगा, टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री आ जाएगा क्या, और हम लोग आंसर में मैच करते हैं, वन बाई थ्री किस में आ रहा है, तो वन बाई थ्री देखिए आपका 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो और भी वीडियोस देखने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।